सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का हम यूज किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि हम लोग जो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं, इसलिए एक जब कोई ब्लॉक ऑफ कोड है या पर्टिकुलर लूप है, उस लूप को क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर स्टेप को क्या करना है, स्किप करना है। ऐसे मान लो किसी सीढ़ी पे हम चढ़ते जा रहे हैं, अगर हमें किसी जिसे एक सीढ़ी पे चढ़े, दूसरे मुझे चढ़ने का मन नहीं है, तो क्या कर जाएंगे, उसको स्किप करके डायरेक्ट हम तीसरी सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। तो यही है होता है, जैसे हमारे मान लो आई इक्वल टू वन से लेकर टू थ्री फोर ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हमें मान लो टू पे नहीं जाना है, थ्री पे डायरेक्ट जाना है, तो वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देंगे। जो जिस स्टेप पे हैं उस स्टेप से क्या करें, हम स्किप कर जाएं, तो वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग बारीकी से सीख लेते हैं, क्या है इसका काम, क्या है इसका वर्किंग, किस तरीके से करता है, उसको यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होगा, जैसे सिंटैक्स का क्या, केवल ब्रेक लिख देंगे कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पर लूप यहाँ लिया, यहाँ पर देखो जैसे फॉर इंट आई, यहाँ पर इंट ले लिया, यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे कोई अपडेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना हो यहाँ पे दे देंगे फॉर लूप में। उसके बाद फिर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या होगा वो ब्रेक के लिए, कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसमें उसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्रेक का। इसी प्रकार से अगर व्हाइल लूप में लगा देंगे, व्हाइल लूप में हमने कोई कंडीशन दिया कि जब तक ये सही है तो चलता जाएगा, और फिर कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या वह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर दिया वहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ब्रेक का चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यह है कोड, अब मैंने एक ब्रेक नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लिया है। इस फाइल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये बता दो, जैसे इंट मेन लिखते हैं ना, तो मेन के पहले हम लोग इंट क्यों लिखते हैं, और इसका रिटर्न टाइप जीरो। देखो इंट इंट है, इसलिए क्या कर लिखते हैं हम लोग, रिटर्न जीरो। इस इंट हम क्यों लिखते हैं इसके पहले मेन के, क्योंकि जो हमारा सी प्लस प्लस है वो स्टैंडर्ड इसका क्या है, हम लोग इंट लिखते हैं। जब इसका इंट लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न कोड जब जीरो आता है, तभी इसका क्या होता है, कंपाइलेशन सक्सेस होता है यहाँ पे, और कंपाइलर तभी इसका एग्जीक्यूशन पूरा करता है। ठीक है ना, इसलिए हम इंट से मेन से पहले क्या करते हैं, इंट लेते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, जीरो। अब इसके अंदर आते हैं, हम यहाँ पर देखने वाले क्या हैं, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। चलो हम लोग एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू हमने मान लो वन दे दिया, और कहाँ तक जाएंगे, सेमी कॉलन गएंगे, जिसे फॉर लूप का मैंने बताया था सिंटैक्स क्या होता है। अब आई लेस आर इक्वल टू मैंने मान लो दे दिया सिक्स, ठीक है, उसके बाद में सेमी कॉलन फिर लगाएंगे, आई प्लस प्लस कर दिया, ये मेरा फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया। अब इसके अंदर आ जा रहे हैं, फॉर लूप के बॉडी में आ गए। ठीक है, अब हमें किसी स्टेप पे जाके हमें ब्रेक करना है, मान लो ब्रेक अब हमें चेक करना है, कंडीशन लगाना है कि किस स्टेप पे जाके हम लोग ब्रेक करेंगे। तो मान लो हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ अगर हमारा आई इक्वल इक्वल टू कितना हो जाता है, मान लो थ्री हो जाता है या फोर हो जाता है, अगर हमारा आई इक्वल इक्वल टू फोर हो गया तो हम इसके अंदर जाएंगे और यहीं पर ब्रेक कर देंगे। अब ये लूप क्या हो जाएगा, जब ब्रेक लगाएं, ब्रेक का ये सिंटैक्स है, ठीक है, ब्रेक का ये सिंटैक्स हुआ। अब यहाँ पे जैसे ब्रेक लगाया, ये क्या होगा, लूप ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, अब चलो अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल यस कर दिया। अब यहीं पे क्या कर दे रहे हैं, चलो बाकी इसके बाहर आके सी आउट कर दे रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कितने स्टेप चला, सी आउट। हाँ, इसमें कमेंट दे रहे हैं, जैसे जो भी है स्टेप, स्टेप दे दिया, स्टेप की कौन सा स्टेप हम लोगों ने चला तो स्टेप दे दिया। उसके बाद यहाँ पे इंड दे दे रहे हैं कि इंडल मैंने नेक्स्ट लाइन से हमारा आ जाए एग्जीक्यूशन। ठीक है, और इसको स्टेप का नाम भी मान लो दे देते हैं यहाँ पे, कौन सा स्टेप हम लोगों ने किया, तो आई का वैल्यू दे देंगे, इससे पता चलेगा कितने स्टेप चला। ठीक है, तो कंट्रोल यस कर दिया, अब इसको रन कर रहे हैं, अब देखना ठीक है। अब देखो पहले क्या हुआ, स्टेप कितना वन गया,
पहले तो प्रिंट कर दिया, तो स्टेप पहले बन गया, उसके बाद टू, उसके बाद स्टेप थ्री, क्योंकि हमें जैसे चार हो गया तो चार पे हम लोग को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट जैसे गया तैसे किसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से स्टेप हटा देते हैं तो समझ जाओगे अच्छे से। देखो इसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। पहले क्या कही है? मैंने क्या किया, पहले इंट आई इक्वल टू वन लिया। अब वन से जीरो लिया नहीं तो जीरो इसी लिए नहीं चला, पहले वन लिया मैंने। पहले अब फार आई इक्वल टू वन से लेकर हमारा छः तक चलेगा, इक्वल है ना, लगा ना यहाँ पे आई इक्वल इक्वल टू छः, तो छः तक चलेगा और एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो पहले अगर हमने चेक किया क्या मेरा वन, यहाँ पे वन तो है, वन क्या मेरा फोर के इक्वल है, तो क्या कर रहा है, नहीं इक्वल तो नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं लगाएगा अभी। ठीक है, तो पहला इसमें क्या कर दिया इसने, यहाँ पे जाके वन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, पहले स्पेस करेगा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लगा देते हैं आई, आई यहाँ लगा देते हैं, फिर यहाँ पे स्टेप लिखते हैं, अब थोड़ा सा ही क्लियर होगा। देखो आई लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब पहले क्या कर दिया उसने, आई कितना वन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब वन हो गया, अब इसकी वैल्यू कितना हो गया, टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो चुका है टू, इसने इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू टू। अब यहाँ गया, ये टू यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये टू यहाँ पे चेक होगा क्या टू मेरा फोर के इक्वल है, तो ये क्या बोल रहा है, हाँ इक्वल नहीं है, तो ब्रेक अभी नहीं करेगा। ठीक है, ये भी ब्रेक नहीं करेगा, उसके बाद में फिर आ जाएगा यहाँ पे, इसको टू को प्रिंट कर देगा, टू को कर दिया ना, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। उसके बाद ये इसने इंक्रीमेंट जो लगाया फॉर लूप में, यहाँ पे कर दिया कितना, आई के वैल्यू मेरा कर दिया थ्री। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या मेरा थ्री इक्वल इक्वल टू फोर है, तो बोल क्या रहा है, अभी फोर इक्वल इक्वल टू नहीं है, तो क्या करेगा, अभी भी ब्रेक नहीं करेगा। ये वाला जो इसका है ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, तो हमारा यहाँ पे थ्री को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जैसे मेरा क्या हुआ, अब नेक्स्ट में नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, तो आई की वैल्यू कितना हो चुका, फोर, तो यहाँ क्या फोर हमारा यहाँ चेक करेगा क्या फोर इक्वल टू फोर है, जैसे हुआ हाँ, तो ऐसे क्या कर देगा इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, आगे जो फाइव सिक्स है ना उसको नहीं प्रिंट कर देगा, डायरेक्ट क्या कर देगा इसका रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो अभी जैसे रन कर किया था मैंने, तो वही दिखा देते हैं क्या क्या रिजल्ट आया था। तो देखो यहाँ पे पहला वन स्टेप चला, स्टेप फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीन स्टेप तक गया। तो इसी तरीके से अगर हम लोग क्या कर दें, कंटिन्यू लगा दें, तो कंटिन्यू अगर यहीं की इसी की जगह हम लोग क्या कर दें, ब्रेक की जगह ये अलग से फाइल बना रहे हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मान लो क्या होगा, मैं कोड किसी को चाहिए कमेंट कर देना, मैं कोड दे दूंगा अपना, एक बार ट्राई कर लेना, ये वैसे अपने से करोगे तो काफ़ी फायदेमंद है, छोटे छोटे कोड हैं अभी, इसको अपने से लिखना सही है। कंटिन्यू डॉट सी प्लस प्लस, कंटिन्यू ही लिखो या कुछ और लिख दो। ठीक है, इसका नाम, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन जो बाद में लिखेंगे उसका सी प्लस प्लस लिखना मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आगे अब इसी को हम लोग यहाँ पे जो ब्रेक लिखा है इसी को क्या कर दें, अगर हम लोग कंटिन्यू कर दें। ठीक है, कंटिन्यू इसका सिंटेक्स ये हुआ यहाँ पे। तो कंटिन्यू का मैंने क्या मतलब बताया था, कंटिन्यू का यूज हम इसलिए करते हैं किसी, अगर हम पर्टिकुलर स्टेप पे हैं उस स्टेप को क्या करना है, स्किप करना है, मतलब उस स्टेप को हम छोड़ दें, आगे वाला क्या अगर सबको, ये अगर हमें पूरा लूप को इटरेट करना है लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेप को क्या करना हम लोग छोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो देखना अभी जैसे फोर्थ स्टेप को नहीं करेगा लेकिन फाइव और सिक्स इसका रिजल्ट ही दे देगा। तो यहाँ पे इसको रन करा के दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे क्या किया, पहले फर्स्ट चल गया, ये वाला फर्स्ट स्टेप रन हुआ, सेकंड स्टेप रन हुआ, फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप रन हुआ, उसके बाद फोर्थ को क्या कर दिया, स्किप कर गया। तो यही कंटिन्यू का काम होता है, क्या किसी पर्टिकुलर स्टेप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। उसके बाद में फिफ्थ वाला ये है, फिफ्थ स्टेप,
उसके बाद सिक्स स्टेप ये वाला, ये पूरा लूप चल गया। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक और कंटिन्यू का बेसिक मतलब ये है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब चलो एक प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे बना के, जिससे पूरा एकदम नेस्टेड लूप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, जैसे व्हाइल लूप या कुछ भी लगा के, उसके बाद में यहाँ पे और बढ़िया से समझ जाओगे, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। एक कंटिन्यू का एग्जांपल लेते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले कंटिन्यू का हम उसका ब्लॉक डायग्राम दिखा देते हैं, कैसे है, क्या है उसका वर्किंग है, उसके बाद में आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं। देखो ये तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद में नेक्स्ट में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू भी सेम वही लूप लगाया था यहाँ पे, देखो फॉर लूप लगाया। अब इस फॉर लूप में जाके किसी भी कंडीशन के बाद हम लोग क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे व्हाइल लूप में भी। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं व्हाइल लूप का, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसका वर्किंग है। तो चलो यहाँ पे एक दूसरा व्हाइल लूप के थ्रू बना देते हैं, व्हाइल ब्रेक या कंटिन्यू दोनों लगा के देखेंगे, डॉट सी प्लस प्लस। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग व्हाइल का यूज करने वाले हैं, तो ये सब हटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखो इसको भी हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ जिससे देखने में सही लगे, लो इतना बड़ा, बस सही है, काफ़ी सही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई कोड बना रहे हैं, उसमें हम किसी पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंट, कोई नंबर ले लिया इंट, किसी पर्टिकुलर रेंज में देखना चाहते हैं कि उस रेंज में वो नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले एक और उसका भी सम भी हम लोग कर देंगे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले मैंने इंट मान लो ले लिया सम इक्वल टू 0, उसके बाद में फिर अगर कोई ले लिया मैंने इंट, कोई नंबर ले लिया इंट नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर भी मान लो मैंने ले लिया 0, दोनों को ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, और उसका सम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना तो कर दिया, अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप में हम लोग चेक करना चाह रहे हैं व्हाइल, अब उसके बाद में नंबर हम लोग चेक करें, क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है या इक्वल है। जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा या इक्वल रहेगा, तब तक हम लोग क्या कर देंगे, उसके बॉडी के अंदर जाएंगे, जो मैंने सम लिया था सम प्लस इक्वल टू, इसका मतलब समझ रहे हो ना, सम प्लस सम। अब इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब होता है सम, मैंने कई बार बता चुका है, सम इक्वल टू सम प्लस। अब जो भी हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे नम लिख दिया, ठीक है, मान लो जो ही नंबर लिखेंगे यहाँ पे नम लिख देंगे, तो यही इसका मतलब होता है। तो इसको हम ऐसा लिख के, चाहे ऐसे लिखें या सम इक्वल टू सम प्लस नम, ये हुआ यहाँ पे लिख दिया, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, या कमेंट कर दें, दोनों ही क्या है, सेम है, इसको कमेंट कर दे, भी कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा भी लिख दिया तो कोई, तब भी हमारे पास कोई इशू नहीं है इसका। अब देखो हम क्या करेंगे, एक नंबर एंटर कराएंगे कि वो नंबर कितना है, जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक कर लें, हमें कितना कितने रेंज के बीच में हमें चाहिए। तो हम एक नंबर एंटर कराना है, तो पहले क्या करेंगे, एक कमेंट दे रहे हैं सी आउट, अब यहाँ पे कमेंट दे दिया, कमेंट में कुछ लिख दे रहे हैं कि इंटर आ नंबर, कोई नंबर इंटर करो, इंटर आ नंबर, मैंने कोई इंटर नंबर करा दिया। अब यहाँ पे सेमी कॉलम दे दिया, उसके बाद में सी इन कर देंगे, कोई नंबर हमें इंटर कराना है, तो इंटर कराना है, तो मान लो मैंने नम नम दे दिया, ठीक है, नम को मैंने इंटर करा दिया। अब देखो
अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन चेक करेंगे ना, क्या कंडीशन उसमें, कंडीशन में क्या चेक करेंगे हम लोग, चेक कर रहे हैं अगर नंबर, हम कितने नंबर तक हम लोग सम करना चाह रहे हैं या कुछ भी। अगर मेरा नंबर क्या है यहाँ पे, नंबर हमारा क्या है, 0 से बड़ा लिख दें या 50 से बड़ा, कुछ भी लिख दे रहे हैं। मान लो मेरा नंबर अगर हम 30 से अगर बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या कर दें, इसको क्या कर देंगे, इस व्हाइल लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर ये 30 से बड़ा हुआ तो हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर दें या कंटिन्यू कर दें, यहाँ पे चलो ब्रेक कर देंगे, पहले ब्रेक का कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब देखो जैसे 30 से बड़ा हुआ, उस नंबर को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और जो मेरा नंबर था उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, फिर 0 कर देंगे, फिर से वो चल जाएगा, चलो यहीं ब्रेक ही कर देते हैं, ऐसे रहने दें, ठीक है, ये ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद में ये हो गया, अब यहाँ पे हम लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पे या तो कमेंट कुछ दे दें कि ये जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो यहाँ पे कुछ दे दे रहे हैं कमेंट कि इंटर नंबर बेलो 10, बेलो 30, ठीक है, इंटर नंबर हमें कमेंट देना, मतलब किस हिसाब से हमें चाहिए वैल्यू, इंटर नंबर बिलो, जैसे मैंने कंडीशन कितना लगाया, 30, 30 से कम। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आ जा रहे हैं, जितनी बार व्हाइल लूप चलेगा हर बार को हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, ये है मेरा व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की यहाँ से इतना इसका बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर इतना इसका बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर हम इस बाहर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉडी के अंदर ही जा रहे हैं, यहाँ पे सी आउट लगाएंगे, और जितनी बार चल रहा है उसके हम लोग क्या कर देंगे, इसके बॉडी को करेंगे तो हमेशा सम करता जाएगा, तो इससे हम इसके इसके बॉडी के बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग सम को रिटर्न कराएंगे, सी आउट क्या कर दें, यहाँ पे कुछ पहले कमेंट दे दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सम, सम ऑफ दी नंबर्स आर, जो इन इस नंबर हैं इनके सम हैं क्या हैं, इसको हम दे दे रहे हैं यस EOM नाम से मैंने बनाया था वेरिएबल, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इसका ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड, और इसके अंदर मैंने ये सब इतना सब कुछ दे दिया है। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, कंट्रोल यस कर दिया पहले, अब यहाँ पे रन कर रहे हैं, अभी पहले हम लोग उससे नंबर को इंटर कराएगा, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा 30 से क्या हो गया रहेगा, 30 से छोटा रहेगा, मान लो कुछ भी दे देते हैं हम लोग, मान लो माइनस पहले लिख दिया 34, ये 30 से कम है, अरे कुछ गड़बड़ किया क्या लूप में, देखो व्हाइल क्या किया, व्हाइल नम नम इक्वल टू इतना, और ये जब तक मेरा नंबर 30 से बड़ा है, अब इसके ब्लॉक के अंदर जाएंगे, इक्वल होना चाहिए, तो हम लोगों ने -34 डाल दिया था, तो -34 जैसे इंटर किया तो क्या कर देगा ये, 0 से क्या हो गया छोटा है, तो क्या हो गया ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, डायरेक्ट जाके टर्मिनेट होके यहाँ पे इसका ये वाला रिजल्ट दे दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहले जो इंटर हम लोग नंबर कर रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया, मान लो मैंने 6 दे दिया, ठीक है, अब ये देखो 6 दिया यहाँ पे, 6 अब जो मेरा सम था 0, 0 में ये इसको मैंने नंबर इंटर कर दिया, ठीक है, अब इंटर किया तो 0 में इससे 6 जोड़ दिया तो मेरा सम हो गया 6। अब देखो ये नंबर आप चेक कर रहे हैं, क्या मेरा नंबर, ठीक है, नंबर क्या मेरा 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो क्या कर रहा है, नहीं 30 से बड़ा नहीं है, तो ये मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। अब यहीं पे क्या कर देगा,
यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब जब ये बड़ा नहीं है तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, अब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटर कर रहे हैं, देखो बढ़ गया ना, एक स्टेप बढ़ा, इसको ब्रेक नहीं किया। अब मान लो मैंने क्या दे दिया दूसरे में, मान लो दे दिया मैंने, मान लो दे दिया 8, एक और ऐड कराना चाहिए, एक और दे दिया मैंने, ठीक है। अब दे दिया मैंने, मान लो कितना मैंने दे दिया, मान लो 34, प्लस 34 दे दिया। अब देखो ये प्लस तो है, व्हाइल नम ग्रेटर देन 0, 0 तो है, ठीक है, चलेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएंगे अब, ठीक है, तो ये 30 से बड़ा हो गया है, ये 34 30 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देगा, लूप यहाँ पे ब्रेक कर देगा, और इसका क्या कर देगा, कहेगा इंटर नंबर बेलोर 30, उसके बाद का सम जो होगा उसको यहाँ पे दे देगा। देखो इंटर नंबर बिलो 30, सम इज कितना हो गया, सम 30 ये पूछा, सम ऑफ द नंबर्स आर कितना हो गया, जो मेरे नंबर थे उनको जोड़ दिया, 8 और 6 कितना हो गया 14, तो इसका दे दिया यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ब्रेक का काम होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग कंटिन्यू का यहाँ पे यूज कर दें, तो कंटिन्यू ये यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया, और उसमें क्या थोड़ा बहुत चेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कि एक पर्टिकुलर स्टेप को क्या करता है, अगर देखो ठीक है, अगर नम इक्वल इक्वल टू हमारा 30 होता है, ठीक है, तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, बाकी हमेशा क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे कुछ भी है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, 30, 40, 50, किसी पर्टिकुलर स्टेप को अगर हमें लोग को स्किप करना है, तो यहाँ पर इसको ये हम कंडीशन दे देंगे, यहाँ पर जाके स्किप कर जाएगा, या तो अगर इसी में किसी और स्टेप को देखना है, एंड लगा देंगे, एंड नम इक्वल इक्वल टू मान लो 13 या 14 हो गया, तभी ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसका कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था बेसिक ब्रेक और कंटिन्यू, और ब्रेक कंटिन्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब जैसे हमें कई अगर जो मल्टीपल हमें स्टेप को क्या करना है, ब्रेक करना है, ओ स्किप करना है, तो इसके लिए एंड लगे से लगा के एंड या और लगा के, तो अभी अगर एंड लगाएंगे तो क्या होगा, एंड का मतलब क्या होता है, जो दो कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना मस्ट। अगर हम लोग यहाँ पे और लिख देते, और मीन्स क्या होता है, यदि या तो अगर नंबर क्या हो गया 30 हो गया, या तो नंबर 14 हो गया, तो क्या कर देगा, ब्रेक कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका काम है एंड और आर का भी यहाँ पे थोड़ा समझ लिया। अब आगे हम लोग और भी हैं थोड़ा, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ बस यहीं तक। अब आगे अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, उसमें हम लोग कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब लोग जो DSA करेंगे, DSA एल्गोरिथम, तो उसमें जो DFS BFS है, उसमें जो ट्रीज होते हैं, तो उसमें स्विच केस का यूज बहुत काफ़ी यूज हुआ है, तो इसके लिए क्या करना था, यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे बढ़िया से, और बहुत सही है, ठीक है ना। तो हम लोग चलो स्विच के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, बस इसके लिए यहाँ पर इतना।